डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी। यूपी के जनपद रायबरेली गांव के प्रधान ने बिजली चोरी करने के लिए कटिया लगा रखी थी। एक हफ्ते पहले आए तूफान में कटिया का तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में गांव का एक युवक आ गया और उसकी मौत हो गई। मामला भदोखर थाना क्षेत्र के मनोहारी गांव का है। आरोप है कि प्रधान कई सालों से कटिया लगाकर ट्यूबवेल चला रहा था, जिसके तार की चपेट में आकर गांव के ही एक युवक की मौत हो गई। थाने में एफआईआर नहीं लिखी गई तो गांव के लोग एसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। रायबरेली ब्यूरो, सुषमा मिश्रा की रिपोर्ट। चलो जिसका है। लोग अंदर गए होंगे? अभी नहीं गए। यहाँ ये बोला सर, कहाँ रहने वाले? मौहारी के रहने वाले। अरे क्या घटना हुई है? घटना हमारे भतीजों का मालिक जो है बिजली से घटना हो गई सर। ये चंदी मान प्रधान जी, पुराना प्रधान है, 20 साल से वो कटिया चला रहा है। उसी को तूफान में करीब आज एक हफ्ता का होगा ये तूफान चला है, उसको फिर ये जोड़ा नहीं है, वो तार गिर गया, जोड़ा नहीं, उसी में हमारे लड़का का मतलब घटना हो गई। और ये लोग जबरदस्ती हम लोगों का धमकी दे रहे हैं कि यही जऊँ करो जा, तुम्हारा कुछ हमारा कोनो बिगाड़ नहीं पाओगे साहब। धमकी मारे तक का साहब हमका लोगों का परेशान कर रहे हैं। धमकी दे रहा प्रधान जी दे रहा है। थाने पर गए? थाने साहब गए हैं, हमारी रिपोर्ट साहब थाने में लिया नहीं गया कि जाओ बिजली विभाग से मिलो जाए साहब, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज कहाँ पर आए? आज बार साहब यहाँ तब मान है कलेक्टरी साहेबान है, हाफिज कप्तान साहब के साथ है साहब। कप्तान साहब से मुलाकात हुई? हाफिज साहब मुलाकात कप्तान साहब से रही भाई साहब। हाँ बदोतर हो गए, चलो। डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।